आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कॉर्निया का पैनल है 65 इंच का, इंटरेक्टिव बोर्ड भी इसको हम कहते हैं, व्हाइट बोर्ड भी कहा जाता है। स्मार्ट क्लासेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंसिंग सभी जगह पे हम लोग यूज करते हैं इसको। मोस्टली केसेस में इसको स्मार्ट स्क्रीन के हिसाब से भी बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी हम दिखाने जाते हैं इसकी रेंज क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके साइजेस क्या होते हैं, स्पेक्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें आपका जो है ये एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट ही आता है, एंड्रॉयड के साथ साथ ये विंडोज में भी आता है। तो पहले जो हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको एंड्रॉयड पे दिखाएंगे, फिर विंडोज पे हम मूव करेंगे। तो एंड्रॉयड में सबसे ज्यादा पहले यूज क्या होता है, इसका यूज केस क्या है? सबसे ज्यादा जो यूज होता है व्हाइट बोर्ड यूज होता है इसमें, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, जस्ट लाइक पहले जो हम लोग यूज करते थे ब्लैक बोर्ड यूज करते थे जो चॉक से हम लिखते थे, उसकी जगह इसने स्मार्ट बोर्ड ने लिया। इसके फायदे क्या है, हम इसके कलर्स वगैरह बैकग्राउंड अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने हिसाब से पुराने ब्लैक बोर्ड चाहिए तो आप ब्लैक बोर्ड ले लो, कोई और कलर चाहिए तो उस हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इवन आप अपना कोई वॉलपेपर लगाना चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं इजिली। फिर टेम्पलेट्स में हम अपने हिसाब से चूज करते हैं, जैसे बैकग्राउंड में व्हाइट रखना है व्हाइट रख सकते हैं, आपको हिंदी के हिसाब से हिंदी के हिसाब से रखिए, इंग्लिश, मैथ्स, आपको कुछ ग्राफ बनाना है या फिर आप म्यूजिक के हिसाब से लेना है, आपको कुछ स्पोर्ट्स के हिसाब से लेना है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजिली। इसके अलावा हम जो भी पढ़ाते हैं इसमें स्मार्टली क्लाउड पे ये सेव हो जाता है। तो इसमें जीमेल या फिर और भी क्लाउड के ऑप्शन है, उसको जब आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये डेटा जो है आपका क्लाउड में सेव होता जाएगा। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में भी कभी बच्चों को आपको चाहिए वो सारे डेटा वगैरह ईजिली ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी इसमें पढ़ाएंगे उसका QR कोड जनरेट हो जाता है, जो लास्ट में हम WhatsApp वगैरह पे सभी हम उसको मूव कर सकते हैं। अब राइटिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है इसका, अब हमें कुछ भी लिखना है फॉर एग्जाम्पल आप ईजिली लिख सकते हैं और वो स्मूथली लिखाएगा। आपको इरेज करना है, पाम से आप इरेज करो, वन टाइम में इरेज करना है, क्लियर करो, आप इरेज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कुछ और वर्ड्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने वॉर लिखा, अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो करेक्शन करना है तो ये ऑटो करेक्शन भी हमें सजेस्ट करेगा, ये वॉर आ गया। इसके हमें गूगल या यूट्यूब पे सर्च करना है तो वो भी इजिली हो जाता है, जस्ट सर्च पे आप क्लिक कीजिए, ये अपने आप ही ब्राउजर पे आपको लेके जाएगा, कंटेंट दिखा देगा वॉर से रिलेटेड क्या क्या है, तो आप उसको सेलेक्ट करके उसको प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। वापस हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, अब इसी में कुछ टूल्स और भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल टूल्स वगैरह हम जो यूज करते हैं वो भी है। फॉर एग्जांपल स्केल हो गया तो आप स्केल यूज कर सकते हैं, कुछ और भी टूल्स दिया हुआ है इसमें, कंपास भी दिया हुआ है, प्रोटेक्टर वगैरह भी दिया हुआ है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ इसमें 2D और 3D शेप्स दिया हुआ है, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। फॉर एग्जांपल 2D पे हमने क्लिक किया, सर्कल क्रिएट करना है हमें, आप इजी वे में सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्क्वायर क्रिएट करना है, स्क्वायर आप बनाइए, आपको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए, ये तो हो गए 2D शेप्स। साथ ही आप 3D शेप्स भी इसमें ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, 3D पे आपने क्रिएट किया स्क्वायर ट्रायंगल, इस तरह से हम 3D शेप्स भी यूज करते हैं। ये कुछ स्मार्ट टूल्स दिए हुए जो कि आपको पढ़ाने में ईजिली हेल्प करते हैं। क्लासेस में कई बार हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, 2x2 या फिर 4x4, 4x5, 5x5 ऐसे क्रिएट करते हैं, आपको जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना, चार्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको चार्ट में जो भी लिखना है आप इजिली लिख सकते हैं, इस तरह से इजिली आप लिख करके प्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट भी होता जाएगा। क्लासेस में हम लोग माइंड मैप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइंड मैप में हम लिख के पढ़ाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो वो भी इजिली होता है, आप अपने हिसाब से आप लिखो BC, ये स्मार्ट राइटिंग को भी रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए आपके राइटिंग को अपने आप ही सुधारेगा। फिर आपको कुछ अपने हिसाब से चार्ट क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हो, आपको जैसा करना है वैसे आप क्रिएट करो, क्रिएट करके आप इसमें इजिली दिखा सकते हो। इसी को हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी इस पर लिखते हो इजिली आप जाकर के जूम इन जूम आउट कीजिए, हमने जूम इन किया, जूम इन करने के बाद साइड कर दिया, अब हमारे को दोबारा कुछ माइंड मैप बनाया था, आप दोबारा माइंड मैप बनाइए, उस पर डायरेक्टली लिखिए, लिख करके फिर उसको जूम इन जूम आउट करना, उसको फिर से प्रीव्यू पे जाकर के जूम इन कीजिए, उसको साइड कर दीजिए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसी को लिखते जाइए लिखते जाइए, एक ही पेज में मल्टीपल पेज आपके एड ऑन हो जाएंगे इजिली। इसी में कई बार हम लोग ग्रिड यूज करते हैं, ग्रिड इन द सेंस ये राइटिंग का एक परफॉर्मेंस अलग से आ जाता है, जिससे कि आप स्मार्ट राइटिंग भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल ए आप लिख रहे हो, बी सी डी आपने ये लिखा, गूगल ने अपने हिसाब से अपने आप ही आप